गुजरात के एक कपड़ा व्यवसायी के यहाँ से 36,70,000 रुपए चुरा कर भोजपुर दलीपुर के रहने वाले बीटू को महंगा पड़ा। आरोपी बीटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7,94,000 रुपए के साथ एक मोबाइल भी बरामद किया है। इस संदर्भ में जगदीशपुर डीएसपी राजीव चंद्र सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी। हमें एक सूचना मिली गुजरात के सूरत सिटी के डीसीपी साहब से, हमारे एसपी साहब के पास खबर आई कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा गृहभेदन करके और करीब 37,00,000 रुपए लूट लिए गए हैं और इसका वहां पर अज्ञात के नाम से FIR दर्ज था। सलावतपुरा थाना सूरत सिटी में आता है। कांड संख्या 671/23 डेटेड 16 जून 23 था। तो हमारे पास जैसे ही खबर आया, हमने करीब 15-20 मिनट के अंदर हमने 2-3 थानों को और अपना CIT टीम और इंटेलिजेंस टीम को हमने लगाया और हम लोग उसका ट्रैक कर रहे थे। मोबाइल लोकेशन मिल रहा था और ये तुरंत हमारी टीम वहां पर पहुंची और वहां से मोबाइल जो लिए हुए था वो एक मृत्युंजय कुमार का नाम से है, उसको हम लोगों ने वहीं पर स्पॉट से पकड़ा। और मेन इसमें जो एक्यूज का जो पता चला तो एक बिट्टू कुमार है, उसके वो तो वहाँ पर नहीं था उस जगह पे, उसके पिता थे सत्येंद्र नारायण चौधरी जिनका नाम है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और वो अपने बेड पे सोए थे और बेड में ये आप देख रहे हैं कि करीब ये 7,96,000 रुपया उनके 94,000 रुपये 7,94,000 रुपया कैश उनके बेड में उन्होंने सील के रखा था, उसी पर ये सोए हुए थे। तो इस कैश के साथ वो पकड़े गए और बिट्टू कुमार वहाँ पर मौजूद नहीं था, उसकी तलाश जारी है, टीम लगी हुई है। और इसी बीच सूचना एसपी साहब को दी गई और एसपी साहब ने सूरत सिटी के DCP साहब जो हैं भागीरथ गाडवी सर को खबर किया और ही वॉज वेरी हैप्पी कि दैट वी वेयर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द कैश एंड ऑल्सो द एक्यूज्ड हुअर हैविंग मोबाइल एंड कैश। और हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं इस पर, हमने जस्ट अभी वहाँ के DCP साहब भागीरथ गाडवी साहब से भी अभी बात किया, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ आवर पुलिस टीम मेम्बर्स कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हेल्प किया है। और उन्होंने हमने एश्योर किया कि आगे भी हम लोग इसमें काफ़ी कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे। और वहाँ से टीम आई हुई है गुजरात सिटी सूरत सिटी के जो सलावतपुर थाना से हैं, इसमें इसके टीम के जो हेड कर रहे हैं SI मनीष कटारिया हैं, मनीष कटारिया, और बाकी इनके साथ हेड कॉन्स्टेबल 2 लोग हैं, एक नटवर सिंह हैं और एक जनक भाई सोलंकी हैं और एक कांस्टेबल नरेंद्र सिंह है। ये 4 लोग आए हुए हैं, इसमें से वहाँ के जो DCP साहब हैं उन्होंने अभी इंस्ट्रक्शंस दिया कि शायद 2 लोग इसमें से अभी रुकेंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो हम लोग इनको कोऑपरेट करेंगे, 2 लोग रहेंगे। और एक हमारे लिए भी काफ़ी एक संतोषजनक एक अचीवमेंट है और हम अपने पूरे टीम को हम अपने तरफ से भी बधाई देते हैं और ख़ास करके जो धनगाई क्षेत्र से ये पकड़े गए हैं और धनगाई थाने के प्रभारी जो भास्कर हैं, इन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल इसमें प्ले किया है और एक काफ़ी अच्छी सफलता इन्होंने पाई है। और इसके इनके लिए हम रिकमेंड भी करेंगे, जो सूटेबल इनको प्रशस्ति मिलना चाहिए मिले। तो ये चीज़ थी और हम लोग आगे वर्कआउट करेंगे ताकि बाकी कैश और जो मेन अभियुक्त है वो भी पकड़ा जाए। जिनके घर से सर कैश की लूट हुई है वो किस चीज़ के व्यवसाय करते थे? वो कपड़ा का व्यवसाय करते थे वहाँ पर, सूरत सिटी में कपड़ा का व्यवसाय थे। मुख्य आरोपी सर वहाँ बिट्टू मतलब क्या करता था, कैसे पहुँचा, इसकी कुछ विवरण सर? इसकी जानकारी तो शायद मार्केट में काम करने के उद्देश्य से, चूंकि यह कांड जो है अज्ञात के नाम से दर्ज है, जो कि पता नहीं था उनको कि कौन बंदा है। अब जब है मोबाइल से जब उसका ट्रैक किया गया तब उसके नाम ये सब सामने पता आ रहे हैं, तो जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तब तक पूरी जानकारी अभी नहीं हो पाएगी। और अभी थोड़ा सा हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से भी अभी बहुत सारी चीजें अभी थोड़ा नहीं बता पाएंगे इस स्टेज में। सर बिट्टू की पहचान सर बताया जा रहा है कि वहाँ से एक CCTV कैमरे फुटेज से हुई है। जी ये बात, उसके पास मोबाइल भी नहीं थी। जी वहाँ पर जब PO जो था जहाँ घटनास्थल पर मोबाइल लेकर नहीं गया था, काफ़ी सातिर किस्म का लग रहा है, लेकिन बाद में जब उसको ट्राई किया गया CCTV से तो जाके मोबाइल खरीदा मोबाइल का दुकान से, तो मोबाइल के दुकान पे जाके ये जो गुजरात पुलिस की टीम है वहाँ संपर्क किया, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मोबाइल खरीदा है, उसका IMI रन किया, तब उसका हम लोगों ने ट्रैक करके। सर बिट्टू की कोई आपराधिक इतिहास भी है थाना में, अनुमंडल क्षेत्र में? वो यहाँ पर नहीं रहता था शायद, नहीं अभी तक तो नहीं है, अगर आगे जानकारी प्राप्त होती है किसी अन्य थाने से होती है इसकी जानकारी। जो दो आरोपी गिरफ्तार हैं उसकी कुछ ऐतिहासिक अपराधी
उनका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, जस्ट हुआ ही है और थोड़ा सा हम लोग बिजी थे, अब इन बाकी और भी किसी थाने से हम लोग पता करते हैं कहीं सर मिलता है। क्या करते हैं सर जो गिरफ्तारी हुई दोनों? जो गिरफ्तारी यही, एक तो उसके फादर हैं जो कि पैसे के बंडल पे सोए हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि ये इसके इस अपराध के वही एक हिस्सेदारी। जिसके पास सर मोबाइल बरामद हुआ? मोबाइल बरामद हुआ वो अभी उसका दोस्त बता रहा है कि दोस्त ने मोबाइल लिया है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी संलिप्तता इसमें है, ये जांच का विषय है और गुजरात पुलिस इनको ले जा रही है, आगे जांच करेगी, फिर आगे की कार्रवाई विधिवत जो होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर मेरा एक सवाल है।